गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पोएट्री के फर्स्ट लेसन करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का स्टडी करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश एक्सप्लेन की ये आपको वीडियो मिलेगी। सर्वप्रथम लिखा है लेसन में करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। ए हैप्पी लाइफ के करैक्टर यानी कि गुण या विशेषताएं, करैक्टर में सतह चरित्र, लेकिन यहाँ पे क्या है सेंस कि प्रसन्नचित जीवन के क्या विशेषताएं होती हैं, क्या गुण होते हैं। इसमें पोएट ने यानी पोएट हैं सर हेनरी वॉटन, जिनका टाइम दिया गया है 1568 से 1639 तक का। हम अबाउट द पोएम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड बाय द ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्क्ड, कि सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति का जो जीवन होता है चिन्हित होता है बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट। ए ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट यानी कि विचारों की सच्ची स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, राइटनेस, एग्जैक्टनेस जिसको कह सकते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, सिंप्लिसिटी सादगी, फेथ विश्वास, केयर फ्रीनेस का मतलब क्या होगा? केयर मीन्स होता है परवाह करना, लेकिन केयर फ्री परवाह ना करना, और नेस किस बात की परवाह ना करना, यानी कि किसी की प्रशंसा या किसी की आलोचना की परवाह ना करना, अपने मार्ग से मार्ग पर चलते हुए किसी की बातों से विचलित होकर के मार्ग से भटकना नहीं, अर्थात केयर फ्रीनेस यानी कि किसी की परवाह ना करना इन सेंस में है। एंड सेल्फ कॉन्टेंटमेंट और अपने आत्म निर्भर होना, ही इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम जेलसी। एक सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति हमेशा फ्री स्वतंत्र रहता फ्रॉम जेलसी ईर्ष्या से, इलविल दुर्भावना से, एंड वर्ल्डली एनेक्सिटीज और सांसारिक चिंताओं से। He prays to God daily, वह प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करता है। He envies none, और वह कभी वही यानी सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति envies none यानी किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है। He passes his time in the company of a good book or a good friend. He passes his time, वह अपना समय व्यतीत करता है in the company of a good book, अच्छी बुक के संपर्क में, और a good friend अथवा एक अच्छे मित्र के साथ। He is the lord of himself, वह स्वयं का मालिक होता है, and master of all. He is the lord of himself and master of all. He surveys, यानी कि वह स्वयं का मालिक होता है, स्वयं he is lord of himself यानी उसका अपने आप पर नियंत्रण होता है, and master of all he surveys, और जिन चीज़ों का वह निरीक्षण करता है उन सब पे वह नियंत्रण रखता है। He may be poor, वह गरीब हो सकता है, but morally लेकिन नैतिक रूप से ही इज ऑलवेज ग्रेट, वह हमेशा महान होता है। पोयम स्टार्ट होती है, पोएट ने लिखा हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न होता है, ही बॉर्न आर टॉट, ही वह बार्न जन्म से, आर्टाट अथवा शिक्षा से, अर्थात वह अपनी जन्म और शिक्षा से प्रसन्न होता है, प्रसन्न रहता है। दैट सर्वथ नॉट एन अदर्स विल, दैट जो सर्वथ सेवा करता है, कार्य करता है, नॉट नहीं, एन अदर्स विल, एन अदर पर्सन्स अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन यानी कि दूसरे व्यक्ति के अनुसार वह कोई कार्य नहीं करता है, यानी कि दूसरे के आदेशों के यानी कि दूसरे के इशारे पर वह काम नहीं करता। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, ही यानी कि वह अपने जन्म, अपने बॉर्न यानी अपने बर्थ से, अपने जन्म से और अपनी शिक्षा से प्रसन्न रहता है, लेकिन जैसा भी जहाँ भी उसका जन्म हुआ है या जो भी शिक्षा उसने प्राप्त किया उससे प्रसन्न रहता है। दैट सर्थ नॉट एन अदर्स विल, और जो कि दूसरे लोगों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता, अर्थात दूसरे के इशारे पर कार्य नहीं करता है। हुज आर मावर हिज इज हिज ऑनेस्ट थाट, हिज ऑनेस्ट थाट, उसका जो ईमानदारी का विचार,
वही उसका क्या है, अरमार, सुरक्षा कवच। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल सर्वश्रेष्ठ गुण, क्या सिंपल ट्रुथ, साधारण सत्य बोलना है उसका सर्वश्रेष्ठ गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, एक सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति के अंदर कौन से गुण होते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में स्टार्टिंग में पोएट ने कहा कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, यानी वो अपने जन्म और शिक्षा से क्या रहता है, खुश रहता है। जन्म और शिक्षा से खुश होने का मतलब जैसा भी, जिस परिवार में भी जन्म हुआ है और जो भी उसने शिक्षाएं प्राप्त की उससे वो खुश रहता है। फिर दैट सर्वथ नॉट एन अदर्स विल, जो कि दूसरे के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है। उजर मावर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और उसका जो ईमानदारी का विचार है वही उसका क्या है, सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य बोलना ही उसका सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। नेक्स्ट स्टेंजा लिखा है हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, पैशन, पैशन शब्द आता है मनोवेग के लिए। अब मनोवेग में क्या क्या बातें आती हैं, उसमें मद आता है, मोह है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो ये सारी भी सारी बातें आ जाती हैं कि हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर। तो हम पैशन यानी कि मनोवेग, यानी मन की तीव्र इच्छाएं, मन की प्रबल इच्छाएं, जिसकी हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसके मन की तीव्र इच्छाएं ही उसके मालिक नहीं होती, अर्थात वो अपने मन की तीव्र इच्छाओं के बस में नहीं होता है कि जैसा इच्छा हुई वैसा ही कार्य करना शुरू कर दे, उसका अपनी इच्छाओं पर क्या होता है, नियंत्रण होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी अंतरात्मा स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हमेशा डेथ के लिए तैयार रहती है। डेथ के लिए तैयार रहने का मतलब क्या होता है, डेथ मेंटालिटी, यानी कि आज ही मृत्यु हो जाए, अभी मृत्यु हो जाए या युगों के बाद हो, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा गया है ना, द्वयो मरणमस्तु वा युगांतरे, कि आज ही मृत्यु हो या युगों युगों के बाद हो। तो आदमी को हमेशा क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। कैसे लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि वह अपने सभी कार्यों को समुचित ढंग से करता है, इसलिए वह कभी मृत्यु से डरता नहीं है। क्या कह रहे हैं, ह्यूज पैशन नॉट हिज मास्टर सर, जिसकी मनोवेग उसके मालिक नहीं होते हैं। ह्यूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड, अनटाइड इज जो मुक्त रहता है, स्वतंत्र रहता है, बंधा हुआ नहीं रहता है, किसे, अनटू द वर्ल्ड विद केयर, यानी सांसारिक बंधनों से वह बंधा हुआ नहीं रहता है, सांसारिक बंधनों से जो मुक्त रहता है, आप प्रिंसली लव आर उल्दर ब्रीथ, प्रिंसली लव आर उल्जर वीर्थ, उल्जर वीर्थ मतलब सामान्य लोगों के आलोचना की चिंता करना, आप प्रिंसली लव, या राजा के प्रेम, या विश्वास, राजा का, प्रिंस का विश्वास पात्र होना या प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखना। तो कह रहे हैं कि अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर आप प्रिंसली लव आर उल्जर वीर्थ, यानी कि प्रिंसली लव यानी कि राजा के प्रेम को प्राप्त करने की ना तो इच्छा होती है और ना ही उल्जर वीर्थ यानी सामान्य लोगों की आलोचना की वह परवाह करता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर यानी कि वह सांसारिक बंधनों से क्या होता है, मुक्त रहता है, और किस रूप में, यानी कि ना तो प्रिंस के यानी कि राजा के प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और ना ही सामान्य लोगों की आलोचना की चिंता करता है। नेक्स्ट आपका स्टेंजा है हु हैज हिज लाइफ, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम रिमोर्स फ्रीड, हु हैथ हिज लाइफ, जिसके पास अपना जीवन होता है, और जीवन कैसा है, फ्रॉम रिमोर्स फ्रीड, रिमोर मीन्स होता है अफवाहों से फ्रीड मतलब स्वतंत्र, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। यानी सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन जो है अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, रिट्रीट मतलब होता है शरण स्थल, कहते ना जैसे कि हम शरण लेना किसी की, यानी कहीं पे जाके शरण लेना, अपनी सुरक्षा प्राप्त करना। तो कह रहे हैं कि हुज कॉन्शियंस, जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसका मजबूत शरण स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, स्टेट, स्टेट मीन्स होता है जैसे साम्राज्य, परिक्षेत्र, कैन नाइदर फ्लैटर्स, फ्लैटर्स फीड यानी कि चापलूसी करने वालों से फीड,
फेड मतलब खिलाना, भरना, पूरा करना, यानी हु इज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, अर्थात वह चापलूसी नहीं पसंद करता है, यानी कि उसको चापलूसी पसंद नहीं है, यानी कोई चापलूसी करके उसको संतुष्ट नहीं कर सकता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। फिर नेक्स्ट लिखा है नॉर र्यून मेक अ प्रेसर्स ग्रेट। नॉर ना तो र्यून, र्यून मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, र्यून मेक अ प्रेसर्स, द प्रेसर्स यानी कि जो दमन करना चाहते हैं दूसरों को, नीचा दिखाने वाले व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, ऑपरेशर्स, नॉर र्यून मेक ग्रेट, कि ऐसे व्यक्ति को र्यून बर्बाद करके कभी महान नहीं बन सकते हैं। ऑपरेशर्स यानी कि क्रूर व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, या जो दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे लोग इस तरह के सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति को र्यून बर्बाद करके नॉर ग्रेट कभी महान नहीं बन सकते हैं। नॉर र्यून मेक अप्रेसर्स ग्रेट, यानी कि इस तरह सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति को बर्बाद करने वाले, नष्ट करने वाले क्रूर व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकते हैं। हु एनवीज नन, जो कभी एनवीज ईर्ष्या करता है, नन किसी से नहीं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हुम चांस डथ रेज, जो लोग चांस अवसर पा करके रेज उन्नति किए हैं, यानी कि सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करता है कि जो अवसर प्रा करके उन्नति किए हैं। नारवायस हु नेवर अंडरस्टूड, नारवायस और ना ही वह किसी की बुराई करता है, हु नेवर अंडरस्टूड और ना ही इनमें वह विश्वास करता है कभी। नेक्स्ट लिखा हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेस। बहुत बड़े सेंटेंस को उन्होंने बहुत बड़ा भाव दिया है कि हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेस, विथ प्रेस प्रशंसा से। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन, कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, यानी कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, तो फिर क्या लिखा है, सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति वह होता है कि ना रूल्स ऑफ स्टेट, यानी कि वह कि स्टेट के नियमों का पालन यानी कि परवाह नहीं करता। ना रूल्स ऑफ स्टेट, अब आप कहेंगे क्या कि सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। ना रूल्स ऑफ स्टेट यानी कि वह राज्य के नियमों की परवाह ना करते, राज्य के कहते हैं ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यानी कि वह अच्छा रूल्स ऑफ गुड, अच्छाई के नियमों का पालन करता है, उसकी परवाह करता है, स्टेट के नियमों की पर चिंता नहीं करता है, यानी कि वह किसकी चिंता करता है, अच्छाई के नियमों की चिंता करता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, प्रेज की प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं, यानी प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं, इसका एक अलग भी सेंस है जिसको आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी अत्यधिक प्रशंसा करना शुरू कर दे तो आपको वहाँ पे सावधान हो जाना चाहिए। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स ऑफ वाउंड्स, हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, की प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यानी सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति अच्छाई के नियमों का पालन करता है, ना रूल्स ऑफ स्टेट, स्टेट के नियमों की अपेक्षा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, यानी कि जो सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति गॉड ईश्वर की लेट एंड अर्ली प्रे, लेट यानी सायंकाल में एंड अर्ली और प्रातःकाल में क्या करता है, प्रार्थना करता है। जो सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह प्रातः काल में और सायंकाल में ईश्वर की प्रार्थना करता है। अब आप ये नहीं प्रश्न बनता है कि क्या जो प्रार्थना नहीं करता क्या वह सच्चा प्रसन्नचित नहीं होता है, लेकिन करैक्टर यानी कि जो गुण जो लिखाया गया है यहाँ पे बताया गया है पोएट के द्वारा, हेनरी वॉटन के द्वारा, कि कुछ ऐसे संलक्षण होते हैं जो सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति के, कि हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, कि जो भगवान की ईश्वर की प्रातः काल में और सायंकाल में क्या करता है, प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, नॉट फॉर गिफ्ट टू लैंड, यानी उनसे कोई उपहार प्राप्त करने के लिए नहीं, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उनकी ग्रेस कृपा प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी प्रातःकाल और सायंकाल प्रार्थना करता है, ना कि उनसे कोई गिफ्ट लेने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपने दिन को व्यतीत करता है बिना ही बर्बाद किए ही, विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ, आर फ्रेंड अथवा एक अच्छे मित्र के साथ। एक सच्चे प्रसन्नचित व्यक्ति के गुण के रूप में क्या आया, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रातःकाल और सायंकाल प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, उनसे उपहार लेने के लिए नहीं बल्कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वह अपने दिन को बिना
नुकसान किए हुए ही व्यतीत करता है विद ए वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ अथवा एक मित्र के साथ। और लास्ट स्टेंजा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, फर्स्ट और लास्ट, जो कि एक्सप्लेन के लिए बार बार एग्जाम में आया करता है, आता रहता है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स। सर्वाइल बॉन्ड्स मीन्स सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से दिस मैन इज फ्री, यह व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, मुक्त रहता है। कौन व्यक्ति? यानी जो व्यक्ति सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति होता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। कैसा बंधन? आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल। होप टू राइज, उत्थान करने की आशा, अथवा फियर टू फॉल, अथवा पतन होने का भय। यानी कि उसको इस बात की चिंता नहीं रहती है कि यह उसका उत्थान हो जाए या उसका कहीं पतन हो जाए, इस बात की वह चिंता नहीं करता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वह भूमि का स्वामी नहीं होता है फिर भी वह स्वयं का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। जैसा कि पिछले क्लास में आपने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा कि ऑक्सीमोरन विरोधाभास, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होते हुए उसके पास सब कुछ। तो ये स्टेंजा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। उसकी एक्सप्लेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बॉन्ड्स, इस तरह का सच्चा प्रसन्नचित व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। कौन से बंधन? आप होप टू राइज आर फियर टू फॉल, यानी कि इसे अपने ना तो उत्थान की चिंता करता परवाह आशा में रहता है और ना ही पतन का इसे डर रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि यह भूमि का स्वामी नहीं होता फिर भी यह स्वयं का स्वामी मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। और इसके साथ साथ इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में हम इस पोएट्री के जो स्टेंजाज हैं इनकी एक्सप्लेन आपको या तो पीडीएफ के रूप में देंगे या हम इसी तरह एक्सप्लेन के रूप में बताएंगे। बताने के साथ साथ आपको पीडीएफ के रूप में हम अगली वीडियो में आपको ये प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।